हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर्स रूम। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर वन केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, क्लास टेंथ का। इसके कुछ बेसिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस, दैट इज द रिएक्टेंट्स, आर कन्वर्टेड टू वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस, दैट इज द प्रोडक्ट्स, देन इट इज नोन एज अ केमिकल रिएक्शन। एक जो केमिकल रिएक्शन होती है वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट से मिलकर बनती है, जिसके अंदर रिएक्टेंट्स होते हैं हमारे लेफ्ट साइड पे। सपोज एक रिएक्शन है Mg plus O2 will give you out Mg. So here Mg and oxygen, magnesium and oxygen are the reactants and MgO is the product, that is magnesium oxide. So chemical reaction is a combination of reactants and products. Next, whenever a chemical change occurs, वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। इसका मतलब है जब भी कोई केमिकल चेंज होगा तो उसके अंदर इट मीन्स क्या है, केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस हो रही है। केमिकल चेंज क्या होता है? द चेंज इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। सपोज जैसे एग्जाम्पल था ये एम जी और ओ टू हमने ऐड किया तो हमें नया प्रोडक्ट मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो जहाँ पर भी कोई न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसे हम बोलते हैं केमिकल चेंज। नेक्स्ट, केमिकल चेंज इन्वॉल्व्स first change in state, second change in color, next evolution of gas, and next last is change in temperature. So जब भी कोई chemical change होता है तो हमारे पास ये चार चीज़ें होती हैं। उसमें state भी change होती है और जो भी नया product होता है उसका color भी change हो सकता है और कोई भी gas भी evolve हो सकती है और temperature भी change हो सकता है। Means किसी भी reaction के अंदर heat involve भी हो सकती है, heat release भी हो सकती है। So chemical change involves these all these things. Next we have chemical equation. A chemical equation that is formed by the use of symbols. अब chemical equation कैसे बनती है? Symbols की form में। जैसे मैंने भी example बताया था आपको, Mg plus O2 will give you out MgO. So ये जो है हमारे, ये इसके symbols हैं। Next ये example मैंने लिखा हुआ है, magnesium plus oxygen will give you out magnesium oxide. तो यहाँ पर magnesium का symbol होगा Mg, ऑक्सीजन का सिंबल होगा O2। हम O2 क्यों लिखते हैं? क्योंकि जितनी भी गैसेस होती है वो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। और नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है वो है MgO। सो रिएक्टेंट्स हमेशा क्या होते हैं? लेफ्ट हैंड साइड भी होते हैं और प्रोडक्ट्स जो होते हैं हमेशा राइट हैंड साइड में होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सो इसके अंदर हमारे पास बैलेंस करने का एक मैथड होता है। So the chemical equation in which number of atoms to each element remains the same means left or right side पे जितने भी number of atoms हैं वो equal होने चाहिए। So हमें balance करना होता है। एक example है हमारे पास, suppose ये example है zinc plus sulfuric acid will give you out zinc sulfate and hydrogen. So हम इसको symbols की form में सबसे पहले लिखते हैं। zinc का symbol होता है Zn और sulfuric acid का formula होता है हमारे पास H2SO4 और जिंक सल्फेट होता है हमारे पास ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन इज अ गैस, सो फॉर्मूला इज H2। सो हम इसके बाद इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ लिखना होता है एलिमेंट, एक टेबल फॉर्म करनी होती है। नेक्स्ट हमें लिखना होता है कि एटम्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड, एटम्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड, और नेक्स्ट हमें लिखना होता है एटम्स ऑन राइट हैंड साइड। सो सबसे पहले ये देखना होता है इस रिएक्शन के अंदर सिंबल्स कौन कौन से यूज हो रहे हैं। फर्स्ट इज जिंक, नेक्स्ट इज हाइड्रोजन, एंड नेक्स्ट वन इज सल्फर, एंड नेक्स्ट इज ऑक्सीजन। सो ये चार सिंबल्स हैं जो हमारे इसके अंदर यूज हो रहे हैं। तो फर्स्ट हमें जिंक देखना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा कितने टाइम्स आ रहा है, वन टाइम, और राइट साइड में जिंक कितने टाइम आ रहा है, वन टाइम। नेक्स्ट हाइड्रोजन कितना टाइम आ रहा है, टू टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे लिखा है H2। नेक्स्ट राइट साइड में भी हाइड्रोजन कितने टाइम्स आ रहा है, टू टाइम्स। नेक्स्ट सल्फर इज वन टाइम, हेयर ऑल्सो सल्फर इज वन टाइम, एंड नेक्स्ट ऑक्सीजन इज फोर टाइम्स। सो इसके बाद टेबल फॉर्म करने के बाद हमें चेक करना होता है कि लेफ्ट और राइट साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स है वो इक्वल है या नहीं। जिंक यहाँ लेफ्ट एंड राइट साइड बोथ साइड सेम है, हाइड्रोजन भी सेम है, सल्फर भी सेम है, एंड ऑक्सीजन भी सेम है। सो द इक्वेशन इज बैलेंस्ड, क्योंकि यहाँ पर जो है सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं, एटम्स उनके इक्वल हैं। इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे अभी।
सपोज हमारे पास एग्जांपल है एम जी प्लस ओ टू विल गिव यू आउट एम जी. सो इसके लिए भी हम सेम टेबल ही फॉर्म करेंगे. सबसे पहले हम लिखेंगे एलिमेंट, नेक्स्ट हम लिखेंगे एटम्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड और नेक्स्ट हम लिखेंगे एटम्स ऑन राइट हैंड साइड. इसके बाद एलिमेंट्स देखेंगे कौन कौन से यूज हो रहे हैं. यहाँ पर दो ही एलिमेंट यूज हो रहे हैं इस इक्वेशन के अंदर. फर्स्ट इज मैग्नीशियम एंड नेक्स्ट इज ऑक्सीजन. सो मैग्नीशियम लेफ्ट साइड पे कितने टाइम आ रहा है, वन टाइम. और ऑक्सीजन कितने टाइम आ रहा है लेफ्ट साइड में, मतलब रिएक्टेंट साइड में, टू टाइम्स. और राइट साइड में मैग्नीशियम कितना आ रहा है, वन टाइम. एंड ऑक्सीजन इज वन टाइम. सो हम यहाँ पर देखेंगे कि मैग्नीशियम दोनों साइड्स पे इक्वल है. यस, मैग्नीशियम दोनों साइड्स पे इक्वल है, वन एटम है. और ऑक्सीजन यहाँ पर अनबैलेंस्ड है. अनबैलेंस मीन्स लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजन जो है टू टाइम्स आ रहा है और राइट साइड पे क्या आ रहा है, वन टाइम. सो हमें बैलेंस करना है ऑक्सीजन को. सो हम देखेंगे कि हम राइट साइड में टू से मल्टीप्लाई करेंगे. जब हमने टू से मल्टीप्लाई करा राइट साइड में तो हमारा मैग्नीशियम भी क्या हो गया, टू से मल्टीप्लाई होगा राइट साइड में. सो मैग्नीशियम भी यहाँ टू टाइम्स हो गया और ऑक्सीजन भी क्या हो गया, टू टाइम्स हो गया. सो हमें लेफ्ट साइड से मैच करना पड़ेगा. लेफ्ट साइड में मैग्नीशियम था वन टाइम और राइट साइड में कितना है, टू टाइम्स. और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन कितना है, टू टाइम्स. और राइट साइड में ऑक्सीजन कितना है, टू टाइम्स. सो ऑक्सीजन अब बैलेंस हो चुका है हमारा, लेकिन जो मैग्नीशियम है वो अभी अनबैलेंस है. यहाँ वन टाइम है और यहाँ पर टू टाइम है. सो हम लेफ्ट साइड में मैग्नीशियम को अगेन टू से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो मैग्नीशियम है वो टू टाइम्स हो जाएगा और राइट साइड में भी कितना था, टू टाइम्स. सो यहाँ पर मैग्नीशियम भी टू हो गया, इधर भी टू हो गया. सो हमारी इक्वेशन अब क्या हो गई, बैलेंस्ड. सो हमें टेबल बनाकर इसमें बैलेंस करना होता है इक्वेशंस को. सो इस वीडियो में हमने बेसिक ही कवर किया है. सबसे पहले हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन क्या होती है और किस तरह से हम उसे सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं और किस तरह से बैलेंस करते हैं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं.